identical glass having refractive index 3 by 2, equiconvex lenses of focal length f are in contact. The space between the two lenses is filled with water. Mu of water, that is refractive index of water, is 4 by 3. The focal length of the combination is. So question is, हमारे पास दो lenses given है. ये है lens 1 and this is lens 2. So both the lenses are equiconvex lenses and lens की जो focal length है वो है f. And also let us say the magnitude of radii of curvature is r. ठीक है, अब हमने क्या किया, लेंस के कॉन्टेक्ट में रखा यहाँ पर एंड उनके बीच का जो स्पेस है उसको वाटर से फिल कर दिया. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम बना, एक कॉन्वेक्स लेंस और ये जो वाटर फिल्ड किया हुआ है और देन अनदर कॉन्वेक्स लेंस, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है. द की पॉइंट इज, समझने वाला पॉइंट है, ये जो हमने वाटर को यहाँ पे फिल किया है, इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ऑफ वाटर 3/2, ये भी हमारा एक लेंस की तरह बिहेव करेगा. सो सिंपली सपोज अगर इस लेंस की फोकल लेंथ कैपिटल एफ है और इस लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन ही है स्मॉल एफ एंड स्मॉल एफ, सो 1/f इक्विवेलेंट will be 1/f plus 1/f plus 1/F. देखो जो कैपिटल एफ है वो फोकल लेंथ है ऑफ द लेंस फॉर्म बाय द वाटर. सो हमारा जो गोल है क्वेश्चन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का है, उससे पहले हमें कैपिटल एफ को निकालना है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर्म बाय वाटर. सो एज पर लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 4/3 minus 1, that is mu minus 1, and 1/r1, जो r1 होगा, ये जो lens form हुआ है, इसका जो first surface है, उसका radius of curvature r के equal होगा, क्योंकि same surface convex lens को भी form कर रहा है, but taking into the sign consideration, this will be minus 1/r. ठीक है, अब second surface की बात करें, ये जो second surface है इसका तो रेडियस कर्वेचर होगा सेम आर के इक्वल होगा, क्योंकि सेम सरफेस इस लेंस को भी फॉर्म कर रहा है. पर अगर साइन की बात करें तो साइन हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस कर्वेचर राइट साइड में लाई करेगा. और तो हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी थ्योरी में डील करी हैं, उनके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा. सो दिस इंप्लाइज 1/f विल बी इक्वल टू 1/3 माइनस 2/r. ओके, सो कैपिटल एफ की क्या वैल्यू आई, 3/2. अब इस आर की क्या वैल्यू होगी, अब हम इस आर को कैलकुलेट करेंगे. वी नो जो गिवन कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ है, दिस इंप्लाइज 1/f विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस 1, दिस 3/2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2. सिंपली अगर हम r1 और r2 की वैल्यूज पुट करें जो कि कैपिटल r के इक्वल है और साइन कन्वेंशन को अकाउंट में रखें, सो दिस विल बी 1/r प्लस 1/r, क्योंकि ये जो सरफेस है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड तो कैपिटल r है, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में लाइन कर रहा है. सो दिस इंप्लाइज ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट f स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल r. सो सिंपली अगर हम आर की वैल्यू इधर पुट करें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर 2 - 3/2 स्मॉल है. अगर मैं इसको 2 बोलूं और इस इक्वेशन को 1 बोलूं, नाउ पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/f इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f प्लस 1/F. तो ये कितना हो जाएगा, -2/3f. So this implies on solving this, 1/f equivalent is equal to 2/f minus 2/3f. Further, f equivalent on solving this, we will get the 3f/4. On looking at options, option D is the right answer.